विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का जो पहला फेज था वो खत्म हो चुका है, अब दूसरा फेज स्टार्ट होने वाला है इंग्लैंड और इंडिया टेस्ट सीरीज के साथ। जी हाँ, 4 अगस्त से 5 मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी और इसी के साथ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का दूसरा फेज भी स्टार्ट हो जाएगा। और खबर ये है कि इस दूसरे फेज के लिए ICC बड़ा बदलाव करने वाली है। जो अंक प्रणाली है उसमें ICC बदलाव कर सकती है। ESPN क्रिक इन्फो के एक रिपोर्ट के अनुसार खबर ये है कि इस बार जीतने वाली टीम को 12 अंक मिलेंगे और अगर मुकाबला टाई हुआ तो 6 अंक दोनों टीमों को मिलेंगी और अगर मैच ड्रॉ हुआ तो दोनों टीमों को 4-4 अंक मिलेगा और अगर हारने पर तो कोई अंक ही नहीं मिलेगा। लेकिन ओवररेट पेनाल्टी जो है वो -1 पॉइंट रखा गया है, यानी कि अगर जितने धीमे ओवर होंगे, ठीक है, अगर 12 धीमे ओवर आपके हुए तो कप्तान पर तो जुर्माना लगता ही है लेकिन आपके अंक भी काटे जाएंगे, यानी कि 12 अंक काटे जाएंगे जो कि एक मैच के बराबर है। तो इस बार जो दूसरा टेस्ट चैंपियनशिप शुरू होने वाला है इसमें हर कप्तान के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि भाई ओवर रेट ना हो और जल्दी से जल्दी तय समय अनुसार के हिसाब से आपको गेंदबाजों से गेंदबाजी करानी पड़ेगी। ये है फिलहाल, हालांकि इस पर ICC ने मुहर नहीं लगाया है लेकिन खबर तो यही है कि इस बार बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। देखते हैं आगे क्या होता है, ICC खुद ऑफिशियल बयान जरूर जारी करेंगे लेकिन तब तक के लिए वेट करना पड़ेगा। लेकिन ये जो नया अंक प्रणाली है ये कहीं ना कहीं जो बाकी टीमों हैं, बाकी कप्तान हैं, उनके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी छोड़ते हुए जाएगी।